हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल से तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मैं आज वीडियो में आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो शेयर करने से पहले ना, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो सर्च किए, पर मुझे उतना खास कोई वीडियो नज़र नहीं आया विश्वकर्मा पूजा से रिलेटेड। वैसे तो हम लोग दुर्गा पूजा की पंडाल, दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट की जाती है हमारे जमशेदपुर में, टाटानगर में, ये सारे वीडियोस हमने पहले भी देखे हैं और आगे भी देखेंगे, पर विश्वकर्मा पूजा को लेके ऐसा कोई वीडियो मुझे नज़र नहीं आया। तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे टाटानगर में, जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हम बस स्टैंड हो गया या कोई भी ऑटो स्टैंड हो गया, वहाँ पे छोटे छोटे से पंडाल बना के विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है विश्वकर्मा पूजा के दिन। बट क्या आपको पता है, जमशेदपुर के साउथ ईस्ट रेलवे में, यानी जमशेदपुर टाटानगर के जो रेलवे कार्यालय हैं, उन सभी में अलग अलग से विश्वकर्मा पूजा पंडाल बनाया जाता है और लाइटिंग से बहुत सुंदर डेकोरेशन करके पूजा की जाती है। सो चलिए ना, आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इस तरफ कैसे पूजा की जाती है हमारे रेलवे के, टाटानगर रेलवे के कार्यालयों में। सो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर रही हूँ साक्षी मार्केट। साक्षी मार्केट में अभी हम लोग हैं जलेबी लाइन में, जहाँ बहुत सारे लड्डू, खाजा, गौजा की दुकानें लगी हुई होती है। और यहाँ पे भीड़ देखिए गाइस, मतलब लड्डू तो लड्डू, बूंदिया, सेव, बहुत कुछ बिक रहा था और डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे सामान मिल रहे थे, लाइक फ्लावर की माला, मोतियों की माला, बहुत कुछ मिल रहा था। और पहले तो हम लोग मूर्ति को देखने के लिए वहाँ पर खड़े हो गए थे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर सी विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियाँ बिक रही थी। सो हम लोग यहाँ से एक माला हम लोगों ने ख़रीदा, सो ओरिजिनल माला ही लिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी माला बिक रही थी ना, वो हमारे मतलब हमारे घर के नज़दीक भी मिल जाती है। बट ये वाली माला ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई, मैंने कभी नहीं देखा था, तो मैंने ये लिया। और इसका प्राइस मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा, सो मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुंदर सुंदर घड़े जो कि हैंड पेंटिंग किए हुए थे, हैंड पेंटिंग और हैंड डेकोरेटेड किए हुए थे। ये वाला पर्टिकुलर जो हंडी गमला था ना, वो गमला 100 रुपीज़ का बताया। और ये वाले भगवान की मूर्तियाँ देखिए, छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे थे। सो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में मैंने अपने गाड़ी की पूजा की, और यहाँ पे श्रेयान का साइकिल था, दो साइकिल, सो उसको अच्छे से धो के वॉश करके हमने पूजा की। अब हम लोग शाम को जाएंगे घूमने, सो चलिए हमारे साथ। We'll be right back.
अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।